तो खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर नई अपडेट जारी की गई है। एनएपीएस पोर्टल को लेकर बड़ी अपडेट जारी हुई है। 8 लाख नए लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा। 4.50 लाख विकलांग लोगों को पहले खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा। आप भी बच्चे व विवाहित महिला का खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ सकते हो। अपने एनएपीएस राशन कार्ड में बच्चे का नाम व विवाहित महिला का नाम जोड़ सकते हो। कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। आप भी ये जरूरी काम जरूर कर ले जिससे आपका तुरंत नाम जुड़ सके। यहाँ पर आप एक बार अपडेट आप देख सकते हो। यहाँ पर आप एक बार ट्वीट आप देख सकते हो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हो खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाएंगे नाम। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से एनएपीएस पोर्टल से 8 लाख नए लोगों को जोड़ा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 4.50 लाख दिव्यांगों को पहले जोड़ा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जोड़ा जाएगा एनएपीएस पोर्टल से। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने दी जानकारी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री है सुमित गोदारा, उन्होंने यहाँ पर ये जानकारी शेयर की है कि यहाँ पर जल्द ही एनएपीएस पोर्टल खुलेगा और एनएपीएस पोर्टल में 8 लाख नए परिवार को जोड़ा जाएगा, जिसमें पहले जो भी विकलांग दिव्यांग 4.50 लाख लोगों को पहले खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा। अब जैसे अगर ये पोर्टल खुल जाता है, यहाँ पर आप एक बार अपडेट भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर पोर्टल खुल जाता तो यहाँ पर आप देख सकते हो 76 लाख से भी अधिक लोगों को एनएपीएस का लाभ मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर राजस्थान में काफ़ी समय से ये पोर्टल बनता तो ये खुशखबरी आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो लोकसभा चुनाव से पोर्टल खोलने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले पोर्टल खुल सकता। लगभग राजस्थान में ये पोर्टल लगभग 2 साल से बंद था, जिसमें यहाँ पर पहले यहाँ पर खाद्य सुरक्षा योजना में जो फॉर्म भराए गए थे 10 लाख के करीब, वो फॉर्म भी पेंडिंग है। उन फॉर्म की भी यहाँ पर जाँच की जा सकती है और उनको यहाँ पर पहले खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा सकता। और जिनको यहाँ पर एनएपीएस का लाभ मिल रहा तो यहाँ पर वो भी जैसे पोर्टल खुल जाता तो अपने बच्चे का नाम जोड़ पाएंगे और जो विवाहित महिला उनका नाम भी यहाँ पर जोड़ पाएंगे। यहाँ पर जैसे पोर्टल खुलेगा तो पोर्टल खुलने से पहले आप 2 जरूरी काम ये ज़रूर कर ले जिससे आप भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले सके, आप भी नाम जोड़ सके। जैसे आप किसी बच्चे का नाम जोड़ना चाहते हो या किसी विवाहित महिला का नाम आप जोड़ना चाहते हो एनएपीएस राशन कार्ड में, तो यहाँ पर इन दोनों नाम को सबसे पहले जो भी आपका अभी जैसे पोर्टल नहीं खुला तो अभी से आप अपना जो भी जन आधार कार्ड में बच्चे का नाम व विवाहित महिला जो भी दुल्हन है उसका नाम आप ज़रूर अपने जन आधार कार्ड में अभी से जुड़वा ले। जो बच्चे का नाम आप जोड़ोगे तो उसका जो आपका जन्म प्रमाण पत्र उससे भी नाम जुड़ जाएगा, लेकिन जो आपका जन्म प्रमाण पत्र उससे आप आधार कार्ड बनवा ले और आधार कार्ड से अपने जन आधार कार्ड में नाम जुड़वा ले बच्चे का, और जो महिला उसका नाम भी आप जन आधार कार्ड में ज़रूर जुड़वा ले। यहाँ पर ये 2 काम आप जरूर कर ले। जैसे यहाँ पर पोर्टल खुलेगा, अगर आपको पहले से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा तो आप अपने नाम जोड़ सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर पोर्टल खोलने को लेकर बड़ी अपडेट जारी की गई है, मैंने आपको कंप्लीट बता दी। पोर्टल यहाँ पर जल्दी खुलने वाला, जैसे यहाँ पर पोर्टल खुलेगा तो आपको कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।